हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। लेक्चर्स ऑन सीआरपीसी के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने पुलिस के निवारक कार्य देखे थे, सेक्शन 149 से लेके 153 तक। आज अपन पुलिस के एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है उसके सेक्शन 154 से लेके 176 तक देखने वाले हैं, जिसको अपन विभिन्न लगभग तीन पार्ट में देखेंगे। सेक्शन 154 से लेके 160 तक, और फिर उसके 161 से नेक्स्ट तक, और फिर नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट तक, ऐसे करके 176, जो कि 154 से 176 तक का जो प्रोसीजर है एफआईआर का, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का, उसमें पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, वो हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं। तो हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। आज अध्याय 12 पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 176 तक का ये अध्याय है। तो देखते हैं सबसे पहले हम सेक्शन 154। इसे सामान्य व्यक्ति भी इसे जानता है, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन आज। संघीय मामलों में इत्तला, संघीय मामला हम जानते हैं, संघीय मामलों से भी मामले हैं जिसमें जो कि असंघीय नहीं है। संघीय मामले में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के आदेश के गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। तो हम देखते हैं सेक्शन 154 संघीय मामलों में इत्तला। पहले डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं इसका। क्लॉज 1, संघीय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त भेद करे प्रविष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें बता रहे हैं वो कि व्यक्ति कि उनको संज्ञेय अपराध की जाने की संबंधित इत्तला मिली है, इत्तला मतलब सूचना मिली है, और यदि पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को मौखिक दी गई है तो वो उसे लेखबद्ध करेगा या उसको उसके निर्देशाधीन उसके निर्देशन में मतलब निर्देश देगा कि लेखबद्ध कर ली जाए तो लेखबद्ध कर ली जाएगी, और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, और प्रत्येक इत्तला लिखित रूप में होगी। ऐसी इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त मौखिक रूप से दी गई हो, दोनों पर ही लेखबद्ध करने के बाद या डायरेक्ट लिखने के बाद उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिस व्यक्ति ने उसको दिया है, उसे जिसने दी है मतलब जिसने उसकी रिपोर्ट की है, और उसका सार मतलब उसमें जो जिस्ट है, उसका जिस्ट है से मतलब है जो सार बात है, मूल बात है, वो उसको ऐसी पुस्तक में लिखी जाएगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया है या इस हेतु निर्दिष्ट किया गया है, उसमें वो प्रविष्टि की जाएगी। अब इसका हम प्रोविजो देखते हैं। परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 354 लज्जा भंग से संबंधित है, 354A, B, C, D और सेक्शन 376 मतलब बलात्कार रेप से संबंधित है जो इंडियन पिनल कोड 1860 में वर्णित हैं, 376A, B, C, D, E और वहीं साथ में सेक्शन 509 जो ऐसे गैस्चर से संबंधित है, ऐसे अंग विच्छेद से संबंधित है, जो महिला की मॉडेस्टी को भंग करने से संबंधित है, अनादर करने से संबंधित है, तो वो सेक्शन 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। मतलब इस तरह की कोई रिपोर्ट की गई है जो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं पर होने वाले अपराध सेक्शन 354 से संबंधित हों या 376 से संबंधित हों या 509 से, तो ऐसी इत्तला को एक महिला पुलिस अधिकारी लिखेगी। परंतु यह और कि का
यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 354, धारा 354 ए बी सी डी और 376 ए बी सी डी ई एफ और धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किए जाने का या प्रयत्न किए जाने का मतलब कार्य किया जाए को अपराध भी हम जानते हैं चार चरणों में पूरा होता है ना। कैसे चार चरणों में पूरा होता है? पहला के मस्तिष्क में आता है, दूसरा व्यक्ति उस दिशा में तैयारी करता है, तीसरा प्रयत्न करता है और चौथा कार्य का पूरा डन होना, एक्ट का डन होना। यदि कार्य पूरा हो गया तो अपराध पूरा हो गया, और यदि कार्य पूरा नहीं हुआ है तो वो अटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाता है। तो प्रयत्न किए जाने का भी कथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है। तो ऐसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषी या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। अभी हमने परंतु का देखा, उसको हम देखें डिटेल में। तो वो ये कहना चाह रहे हैं यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति या जिसके साथ अपराध हुआ है ऐसा व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है और वो निशक्त है स्थायी अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से, तो ऐसी इत्तला पुलिस अधिकारी उसके निवास स्थान पर जाके ले सकता है या उसके द्वारा बताए गए कोई सुगम स्थान जहाँ पर सुरक्षित रूप से या आसानी से वो बता सकता है ऐसे स्थान पर, या आवश्यक पड़े तो द्विभाषीय मतलब जो भाषाओं को कन्वर्ट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उनके मदद लेके, या किसी विशेष प्रबोधक के जो विशेष भाषा को उसको समझ सकता है की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी यदि अपराध उन सेक्शन से संबंधित है जो ऊपर वर्णित हैं, सेक्शन 354 ABCD, सेक्शन 376 ABCDE और सेक्शन 509। खा ऐसी इत्तला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी, और ऐसी जो इत्तला की गई है ऐसा FIR किया गया है तो उसकी एक वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी लिखते समय जो लिखा जा रहा है। 154 का फर्स्ट का सी, पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा 5 का के खंड का के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा। मतलब जो अभी अपन ने देखा 164 का जो 5 का है उसमें भी महिला के साथ होने वाले इन्हीं अपराधों को वर्णित किया गया है जो ऊपर वर्णित हैं, सेक्शन 354 ABCD और 376 के ABCDE और 509। इससे संबंधित यदि महिला के साथ अपराध हुआ है वो निशक्त है अस्थायी अस्थायी रूप से, तो वहाँ पे भी एक द्विभाषक हो सकता है और ऐसा विशेष प्रबोधक व्यक्ति हो सकता है उसके स्थान पर जाके हो सकती है और सुगम स्थान पर जाके उसकी रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। तो यथासंभव शीघ्र के साथ कार्य किया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा, तो जल्दी से जल्दी वो कथन उसका अभिलिखित कराया जाएगा। तो सेक्शन 3154 का अपना क्लॉज 1 था, अब क्लॉज 2 देखते हैं। उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। अच्छा, FIR की जो रिपोर्ट जो एक प्रति है वो तुरंत उस इत्तला देने वाले को, उस इत्तला करने वाले या FIR कराने वाले व्यक्ति को तुरंत एक निःशुल्क दी जाएगी। क्लॉज 3 है, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो इत्तला कराने आया है, जो FIR करा रहा है, और सामने वाला जो अधिकारी है, जो भारसाधक अधिकारी है, वो इत्तला करने से मना करता है, तो उससे वो व्यथित है। तो ऐसे व्यथित व्यक्ति के पास क्या उपचार है उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में, जो इत्तला वो देना चाह रहा है उसका एक सार बनाएगा लिखित रूप में, डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। पुलिस अधीक्षक मतलब SP को भेज सकता है, और जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है और वो SP से समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला में किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट हो रहा है ना, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है उसमें, और उनको लगता है कि उससे संबंधित कोई ऐसा अपराध है प्रकट हो रहा है, तो वह स्वयं मामले का अन्वेषण कर सकता है, करेगा, या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। खुद करेंगे अन्वेषण या किसी अपने अधीन अधिकारी को अन्वेषण के लिए उसको नियुक्त कर देंगे।
और इस संहिता के अंतर्गत जो प्रोसेस है उसके लिए बंद रीति से अन्वेषण करने के लिए निर्देश दे देगा। उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के बाहर अधिकारी की सब सत्य होंगे और वो जो अधिकारी होगा चाहे वो खुद हो या वो किसी अन्य व्यक्ति को अधीनस्थ अधिकारी को किसे तो निर्देश करे तो उसको उस भाषा अधिकारी की सारी शक्तियाँ होंगी जिसके अधीनस्थ वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये सेक्शन 154 था जो हमको बताता है एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, संज्ञेय अपराध संबंधित इत्तला के बारे में।